की कठपुतली निकला अमृतपाल सिंह। आईएसआई के संपर्क में कैसे आया ट्रक ड्राइवर अमृतपाल? खालिस्तान के नाम पर करने वाला था बड़ा खेला। अमित शाह के शातिर दिमाग से हार गया अमृतपाल। पुलिस से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा अमृतपाल। एक कहावत है, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, वो जन्मजात टेढ़ी ही रहती है। कुछ ऐसा ही हाल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी है, जो धर्म के नाम पर हिंदुस्तान से अलग हुआ है और फिर अपने बाप हिंदुस्तान को ही बर्बाद करने के लिए आतंकवाद की राह पर चल निकला। और अब तो इस रास्ते पर वो इतना आगे बढ़ निकला है कि उसके पास खुद को बर्बाद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। मगर हैरानी तो इस बात की है कि इतनी जिल्लत झेलने के बाद भी ये मुल्क आतंकवाद का रास्ता नहीं छोड़ रहा। कश्मीर को आतंकवाद में झोंकने के बाद अब वो एक ट्रक ड्राइवर के जरिए हिंदुस्तान के पंजाब को सुलगाने की साजिश रच रहा है और इस काम में उसका मोहरा बना है वारिस पंजाब। वारिस पंजाब देश संगठन का मुखिया अमृतपाल सिंह, जो आजकल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारों पर किसी कठपुतली की तरह नाच रहा है। पंजाब राज्य हिंदुस्तान का हिस्सा है और इसे कोई भी हिंदुस्तान से जुदा नहीं कर सकता, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। और खालिस्तानियों को भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि अतीत में आतंकी जर्नैल सिंह भिंडरांवाले ने भी खालिस्तान देश के रूप में अलग पंजाब मांगने की हिम्मत की थी। उसका क्या अंजाम हुआ पूरी दुनिया जानती है। इंदिरा गांधी की सरकार ने उसे मौत की नींद सुला दिया था और अब भिंडरांवाले की तरह ही अमृतपाल सिंह भी पंजाब में खालिस्तान के समर्थन में माहौल बनाने में जुट गया था। मगर वो शायद ये भूल गया था, ये मोदी सरकार है और इस सरकार में गृह मंत्रालय अमित शाह संभाल रहे हैं, जिन्होंने पहले ही चेतावनी दे डाली थी कि हम इसे पनपने नहीं देंगे। सालों से होता है, हम इस पर गंभीरता से वॉच बनाए रखे हुए हैं। पंजाब सरकार से भी हमारी चर्चाएं होती है, सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है। मुझे विश्वास है कि हम इसको पनपने नहीं देंगे। क्या हम कनाडा, यूके इन सब से इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर उनसे बात कर रहे हैं हम? देखिए स्मिता जी, इस प्रकार की बातों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना न नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, न गृह मंत्री के लिए अच्छा है। जी वो मैं समझती हूँ, लेकिन लोगों को डर जरूर लगता है कि फिर से 80 का दशक फिर से। हमारी क्रेडिबिलिटी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पर लगाम लगाने की चेतावनी दी थी, जिसका असर आज पंजाब में दिख रहा है, जब पुलिस के साथ साथ केंद्रीय एजेंसियां भी अमृतपाल सिंह को दबोचने के लिए पूरे पंजाब में फैल गई हैं। यहां तक कि 20 मार्च तक एहतियात के लिए इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। अमृतपाल सिंह के खिलाफ हो रहे ताबड़तोड़ एक्शन के बीच खबर है कि अब तक उसके 70 से भी ज्यादा समर्थकों को पुलिस ने दबोच लिया है और 315 बोर की राइफल, 12 बोर की 7 राइफलें, एक रिवॉल्वर और 373 कारतूस समेत 9 हथियार बरामद किए गए हैं। पाक खुफिया एजेंसी की कठपुतली है अमृतपाल सिंह। पाकिस्तान अब तक कश्मीर को सुलगाने की साजिश रचता रहा और जब इस साजिश में वो पूरी तरह से नाकाम हो रहा है तो अब पंजाब में भी आतंकवाद फैलाने की कोशिश करने लगा है। इसके लिए उसने मोहरा बनाया है खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को। 1993 में पंजाब के अमृतसर के जल्लोपुर खेड़ा गाँव में जन्मा अमृतपाल 12वीं तक ही पढ़ा है। इसके बाद वो साल 2012 में दुबई चला गया और वहाँ पर ट्रक चलाने लगा, जिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नजर पड़ी और इसने अमृतपाल सिंह को भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की साजिश रची। अधिकारियों के मुताबिक अमृतपाल सिंह का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और विदेश में मौजूद आतंकवादी समूहों के साथ सीधा और गहरा संबंध है। आईएसआई के इशारे पर ही वो पंजाब आया और यहां आते ही जर्नैल सिंह भिंडरांवाले की तरह भारत से अलग खालिस्तान की मांग करने लगा। उसने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह का जिक्र कर सिस्टम को चुनौती देने की कोशिश की। इंदिरा गांधी को जहां ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके ही गार्ड्स ने गोली मार दी थी, तो वहीं दिलावर सिंह नाम के शख्स ने आत्मघाती हमले में पूर्व सीएम बेअंत सिंह की हत्या कर दी थी। ऐसे में कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह धमकी देने लगा कि पंजाब में कई दिलावर तैयार बैठे हैं, पंजाब में आकर इतनी अकड़ दिखा रहे अमृतपाल सिंह पर पाकिस्तान का ही हाथ है। खुफिया विभाग के सूत्रों के मुताबिक दुबई में आईएसआई के
संपर्क में आए अमृतपाल सिंह को धर्म के नाम पर युवाओं को मोटिवेट करने का टास्क दिया गया था। इसके लिए ISI की फंडिंग से खालिस्तान के नाम पर सिखों को एकजुट करके पंजाब में सक्रिय होना था। इनपुट्स के मुताबिक पंजाब आने के बाद ISI के कहने पर अमृतपाल सिंह ने अपना संगठन खड़ा किया। इसके लिए उसने अमृत संचार का सहारा लिया। बाद में उसने खालसा बहीर नामक अभियान चलाया और गाँव में जाकर संगठन को मजबूत किया। इस दौरान पंजाब के मुद्दों को भड़काया और सिखों को केंद्र सरकार के खिलाफ भी भड़काना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने वारिस पंजाब दे पठान का भी सहारा लिया। ये संगठन पहले एक्टर और एक्टिविस्ट दीप सिद्धू चलाता था, जो लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के बाद सुर्खियों में आया था। लेकिन 15 फरवरी 2022 को एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद दुबई से लौटे अमृतपाल सिंह ने इस संगठन की कमान संभाली। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह उस वक्त कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में आया जब इसने अपने हथियारबंद साथियों के साथ पंजाब के अजनाला थाने पर हमला बोल दिया था और अपहरण और दंगों के आरोपियों में से एक तूफान को रिहा कराने की कोशिश की थी। इस दौरान 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इस मामले में अमृतपाल सिंह के खिलाफ भी केस दर्ज है, जो आज पुलिस से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा है। बहरहाल पाकिस्तान की शह पर कूद रहा अमृतपाल सिंह आज जिस तरह से भागा भागा फिर रहा है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।